अब बात करते हैं कि सर्दियों में अडेनियम की केयर किस तरीके से करी जाए, तो आज कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे फॉलो करना बहुत लाजमी है अडेनियम के लिए। अगर इसको आप कर लेंगे तो आपके अडेनियम के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छे सर्वाइव भी करते रहेंगे। अडेनियम को पानी देना कम कर दें और इतना भी कम ना करें कि इनके कोटेज जो हैं वो शिलिंग होने लगें या सिकड़ जाएं और सूख जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने पानी नहीं दिया है तो इसका कोटेज जो है वो शिलिंग होने लगता है और फिर बहुत परेशानी हो जाती है अडेनियम को दोबारा से सर्वाइव होने में, क्योंकि ठंड में ज़्यादा पानी दे नहीं सकते हैं और हमारा कोटेज जो है वो शिलिंग हो चुका है तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको दोबारा से सही होने में। और अब बात करते हैं कि अडेनियम को कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए और कौन सा नहीं दिया जाए। जो फर्टिलाइज़र देना है वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र अडेनियम के अंदर दे सकते हैं जो काफ़ी फ़ायदा करेगा और जो आने वाले टाइम पर फ्लावरिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। अडेनियम का प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अडेनियम का प्लांट डोरमेंसी में सो जाता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अडेनियम का प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में जो जाता है तो उसकी क्या वजह है। दरअसल अडेनियम को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो सर्दियों में उसको नहीं मिलता है। हमारे यहाँ इंडिया में तीन किस्म के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो दो मौसम जो होते हैं बरसात और गर्मी के, तो इनमें तो अच्छी गर्मी पड़ती रहती है, और तीसरा मौसम है सर्दी का। तो इस सर्दी के मौसम में प्लांट ज़्यादातर ग्रोथ बंद कर देते हैं। वो कौन कौन से प्लांट ग्रोथ बंद करते हैं और कौन से प्लांट ग्रो करते रहते हैं सर्दियों में, आज इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, जो प्लांट होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, यानी एक रबी और एक खरीफ। खरीफ के जो प्लांट होते हैं वो गर्मियों के होते हैं और रबी के जो प्लांट होते हैं वो सर्दियों के होते हैं। तो सर्दियों में रबी के जो प्लांट हैं वो अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं और खरीफ के जो प्लांट हैं वो उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो उनको टेम्परेचर चाहिए होता है वो उनको नहीं मिल पाता है और वो टेम्परेचर लगभग 30 से 35 के बीच में वो टेम्परेचर होता है जो खरीफ के प्लांटों को चाहिए होता है। यानी जब टेम्परेचर 20 रह जाता है तो जो खरीफ के प्लांट हैं वो अपनी ग्रोथ को बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, इतनी गर्मी उनको नहीं मिल रही है, उनको हीट चाहिए, वो हीट मिलना उनको बंद हो गई है, इस वजह से उन्होंने अपनी ग्रोथ को बंद कर दिया है। तो खरीफ के प्लांटों में अडेनियम भी आता है, इसको भी काफ़ी गर्मी और हीट चाहिए। ये लगभग 30 से और 35 के टेम्परेचर में बहुत अच्छा ग्रोथ करते रहते हैं। हमारे ये प्लांट गर्मियों में अच्छी ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं, और सर्दी आते ही ये जो है वो अपनी ग्रोथ को बंद कर देते हैं, अपने लीव्स वगैरह भी गिरा देते हैं। तो ये प्लांट भी खरीफ में आता है, और इस तरीके के और भी प्लांट होते हैं, जैसे ये फलदार प्लांट जितने भी हैं आप देख रहे हैं, ये फलदार प्लांट भी सब खरीफ में आते हैं। बुगनवेलिया वगैरह जो है ये भी सब खरीफ में ही आती है, तो इसको भी गर्म मौसम चाहिए होता है। और जो रबी के प्लांट हैं, यानी ठंड के दिनों के जो प्लांट हैं, वो साथियों देखिए, ये प्लांट जो है वो रबी के प्लांट कहलाते हैं। यानी ये ठंडे मौसम में ही पैदा होते हैं, जब ही ग्रो करते हैं और जब ही ये सर्वाइव भी करते हैं, तो ये रबी के प्लांट कहलाते हैं। इस वजह से ये इनकी ग्रोथ सर्दियों में ही होती रहती है। अब जैसे कि गुलाब है, एक गुलाब है, परमानेंट प्लांट है, लेकिन उसके बावजूद वो रबी में आता है, यानी गर्मियों में उसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है और ग्रोथ भी बंद कर देता है, और सर्दियों में वो अच्छी फ्लावरिंग करता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है। तो साथियों, इसी पर बात करते हैं कि अपने अडेनियम को हम सर्दियों के टाइम पर किस तरीके से सेव करें और इनकी क्या केयर करें। जो लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं कि सर्दियों में अडेनियम की केयर किस तरीके से करी जाए, तो आज कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे
कि जो आप फॉलो करना बहुत लाजमी है एडेनियम के लिए। अगर इसको आप कर लेंगे तो आपके एडेनियम के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छे सर्वाइव भी करते रहेंगे एडेनियम। तो सबसे पहले तो इस टाइम पर एडेनियम को पानी देना कम कर दें, और इतना भी कम ना करें कि इनके कॉटेज जो हैं वो शिलिंग होने लगें या सिकड़ जाएं और सूख जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको आप देखते रहें, इसके कॉटेज के हिस्से को जब ये इस तरीके की जगह छोड़ देता है कॉटेज, तब उसको पानी दे देना चाहिए। ये 10 दिन भी लग सकते हैं और 15 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि एडेनियम का कॉटेज शिलिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब पानी लेट हो जाता है, एडेनियम को चाहिए होता है और आपने पानी नहीं दिया है, तो इसका कॉटेज जो है वो शिलिंग होने लगता है और फिर बहुत परेशानी हो जाती है एडेनियम को दोबारा से सर्वाइव होने में, क्योंकि ठंड में ज़्यादा पानी दे नहीं सकते हैं और हमारा कॉटेज जो है वो शिलिंग हो चुका है, तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको दोबारा से सही होने में। और अब बात करते हैं कि एडेनियम को कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए और कौन सा नहीं दिया जाए। तो इस टाइम पर एडेनियम को किसी किस्म का रासायनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें, और जो फर्टिलाइज़र देना है वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र एडेनियम के अंदर दे सकते हैं जो काफ़ी फ़ायदा करेगा और जो आने वाले टाइम पर फ्लावरिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले एक बात और बता रहे हैं कि इसको किसी किस्म का काउडन वगैरह या आपके पास बर्मी कंपोज हो तो वो, और बोन मील, ये सब चीज़ें भी डोरमेंसी में बिल्कुल मत दें, क्योंकि ये सब बेकार जाएंगी, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, उसकी जगह पर आप एक काम कर सकते हैं कि जो सरसों की खली है उसको आप भिगो दीजिए और 3-4 दिन के बाद उसका पानी जो है वो एडेनियम को दीजिए। और वो किस तरीके से देना है कि जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया है तो उसमें 4-6 लीटर पानी और मिला लीजिए सादा, उसको हल्का कर लें और वो एडेनियम को 15 दिन के अंतराल दें। यानी बीच में कोई और पानी ना देके आप जब भी पानी इसके अंदर दें तो वो सरसों की खली का पानी दें, तो उससे एडेनियम की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी और इसको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलते रहेंगे और कॉटेज भी शिलिंग नहीं होगा। अब जो इस टाइम पर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो फर्टिलाइज़र इस एडेनियम के अंदर हम देंगे, वो इस टाइम पर बहुत ही काम का फर्टिलाइज़र है। एडेनियम को इस टाइम पर अगर ये फर्टिलाइज़र आपने दे दिया तो आपका एडेनियम बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की ग्रोथ भी करता रहेगा और इससे जो आने वाले टाइम पर फ्लावरिंग होगी वो बहुत ही अधिक होगी, बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग होगी और उसके जो कलर हैं वो काफ़ी चटक कलर आएंगे और उसमें जो लीव्स वगैरह भी निकलेंगे तो काफ़ी ग्रीनिश होंगी इसके अंदर, बहुत ही प्यारा प्लांट चलता रहेगा आपका। जैसे कि आपकी फरवरी ख़त्म हुई और फरवरी के बाद जैसी ग्रोथ शुरू होगी तो फौरन आपके प्लांट के अंदर वर्ड्स आ जाएंगे और वर्ड्स आने के बाद में फ्लावरिंग इतनी ज़बरदस्त होगी कि मज़ा ही आ जाएगा उस फर्टिलाइज़र को डालते ही, क्योंकि अभी तो उसके डालने से कोई फर्टिलाइज़र नहीं आएगा, लेकिन वो अपने टाइम पर जाके अपना काम करेगा और बहुत ही प्यारा काम करेगा, उससे पौधे की ग्रीनिश बढ़ेगी और फ्लावरिंग के जो कलर हैं वो भी काफ़ी चटक आएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र है एक्सम सोल्ड। एक्सम सोल्ड को आप अगर 2-3 ग्राम हर प्लांट में देते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता रहेगा और बहुत ही फायदे का ये काम करेगा। यानी इस टाइम पर डोरमेंसी के अंदर आप, और ओनली एक मर्तबा देना है, यानी फिर 2 महीने तक आपने किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, यानी फरवरी के बाद ही जब तक आपकी ग्रोथ शुरू ना हो तब तक किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र ना दें सिवाय सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके अलावा किसी किस्म का फर्टिलाइज़र ना देके आप इस एक्सम सोल्ट को सिर्फ एक मर्तबा दे दें, सिर्फ हर प्लांट के अंदर 2-3 ग्राम आपने डालना है उसके अंदर। तो किस तरीके से डालना है वो भी हम अभी आपको बताते हैं कि हम आपको प्लांट के अंदर डालकर ही इसको बताएंगे कि एक्सम सोल्ट को किस तरीके से डालें प्लांट के अंदर। तो ये 2 प्लांट लिए हैं हमने, इसके अंदर हम एक्सम सोल्ट को डाल के आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे तो ये हमने इतनी ज़्यादा निकाली है, सारे प्लांटों में हमने देनी है, लेकिन हम आप लोगों को वीडियो के अंदर सिर्फ 2 प्लांट इसके अंदर डालकर ही दिखाएंगे। और इसको डालने के बाद में आपने पानी नहीं देना है और ना ही इसके ऊपर इस तरीके से छिड़कना है। देखिए ये 2-3 ग्राम ही सिर्फ डालना है, चारों साइड आप डाल दीजिए
और ऊपर से पानी वगैरह नहीं डालना है और ना ही इसकी गुड़ाई करनी है। इस तरीके से चारों साइड आप एक्सम सॉल्ट को डाल दीजिए। ये इस तरीके से डालकर अब इसके अंदर किसी किस्म का पानी अभी नहीं देना है फिलहाल। अब जब पानी आप देंगे, जब पोर्ट सूख जाएं, बिल्कुल जब काफ़ी पोर्ट सूख जाएं, तो आप इसके अंदर पानी दे दें और इसकी गुड़ाई भी नहीं करनी है, सिर्फ ये ऊपर डालना है। गुड़ाई कर देंगे तो प्लांट में बहुत ज़्यादा हीट पहुंच जाएगी और प्लांट को कोडेस को नुकसान पहुंचाएगी। तो इस वजह से पानी नहीं डालना है। इस एक्सम सोल्ट को डालने के बाद में अब आपको 2 महीने तक कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है, ना ऑर्गेनिक और ना ही आपने रासायनिक फर्टिलाइजर देना है। किसी किस्म का कोई फर्टिलाइजर आप ना दें, सिर्फ फरवरी में जाके इसको फर्टिलाइजर दें। ऑर्गेनिक में जब भी आप पानी दें, यानी 15 दिन के अंतराल, वो सरसों की खली का डाल दीजिए आप। और सरसों की खली का पानी भी अगर आप सर्दी के टाइम पर देंगे तो उसके अंदर भी फंगिसाइड ज़रूर मिला लें, क्योंकि सरसों की खली से ही बहुत जल्दी फंगस लगती है। तो इसलिए सरसों की खली जो है वो आप उसके अंदर फंगिसाइड मिलाकर ही डालें, क्योंकि वो डिकम्पोज तो पूरी अच्छी तरीके से होती नहीं है। आपने सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही उसको भिगो के उसका पानी तैयार किया है, तो उसके अंदर फंगस लगने का काफ़ी ख़तरा है। तो इस वजह से आप सरसों की खली को डालें तो उसमें फंगिसाइड को ज़रूर मिला लें। और अब 2 महीने तक हमें किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, सिर्फ एक्सम सोल्ट को देना है। अब एक्सम सोल्ट जो काम करेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये प्लांट के अंदर की कमी नहीं होने देगी। यानी मैग्नीशियम और सल्फ़र की किसी किस्म की प्लांट को कमी नहीं होने देगी। और तो मैग्नीशियम और सल्फ़र की जब कमी प्लांट के अंदर नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। और जब जिस टाइम पर जैसे इसके अंदर फुटाव आएगा फरवरी के अंदर, तब इसका फ़ायदा आपको दिखाई देगा कि इसके जो लीव्स हैं वो काफ़ी ग्रीन इसके अंदर से लीव्स निकलेंगे और जो फूल निकलेंगे वो फूलों का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चटक कलर का फ्लावर होगा आपका। तो इतना बेहतरीन प्लांट चलेगा उस टाइम पे फरवरी मार्च के अंदर कि आपका जवाब ही नहीं है। और इसके डालने से जो फूल हैं वो बहुत अधिक आएंगे, यानी प्लांट पूरा फूलों से भरा रहेगा। ये एक फ़ायदा सबसे बड़ा एक्सम सोल्ट का इस टाइम पर डालने का फ़ायदा है। अब इसको डालने के बाद में आपने किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र 2 महीने नहीं देना है, ये फर्टिलाइज़र ही काम करता रहेगा, मैग्नीशियम और सल्फ़र की पूर्ति को बढ़ाता रहेगा और उसकी वजह से प्लांट ग्रोथ अच्छी करता रहेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा फ्लावरिंग का है। आने वाले टाइम पर जब फ्लावर इसके अंदर आएंगे तो बहुत ही अधिक फ्लावर आएंगे, ये इसका बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ये मैग्नीशियम और सल्फ़र ये दो चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लाएंगी और आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो साथियों, इस तरीके से सारे प्लांटों के अंदर हमने एक्सम सोल्ट दे दिया है और टोटल प्लांट में हमने डाल दिया है ये। अब इसके अंदर पानी अभी नहीं डालना है जब तक इसके पोर्ट वगैरह ठीक से सूख ना जाए, और अब कोई किसी किस्म का फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है और ना ही इनकी गुड़ाई करनी है, यानी किसी भी प्लांट की गुड़ाई भी नहीं करनी है, ये ऊपर ही डालना है। जब आप गुड़ाई कर देंगे तो ये एक्सम सोल्ट जो है वो नीचे चला जाएगा और जब भी आप पानी डालेंगे तो फौरन सारा के सारा एकदम से घुल जाएगा ये, तो एकदम से सारे प्लांट के अंदर पहुंच जाएगा। वो हमें नहीं करना है, हमें ऐसे ही पड़ा रखना है ऊपरी, और पानी जब डालेंगे तो ऊपर से ही पानी डालेंगे तो हल्का फुल्का घुलेगा, क्योंकि ये घुलनशील होता है, बहुत जल्दी घुल के और रूट तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इसकी जब तक सॉइल आपकी ना सूखे तब तक आप इसके अंदर पानी ना डालें और ऐसे ही पड़ा रहने दें इसके ऊपर, और ये धीरे धीरे घुल के प्लांट को मिलता रहेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।